हमारे सामने जो मुकर्रर हैं हम उनसे नावाकिफ नहीं बल्कि वो हमारे एक जाने माने उर्दू के ख़तीब हैं मैं थोड़ी ही देर में आपके सामने आपके उस जाने माने खतीब को दावत दूंगा, लेकिन मैं उनके बारे में मुख्तर तारफ़ आपसे करा देना चाहता हूँ आपके सामने जो खतीब अभी चंद लम्हों में आकर अपने मवाज़ हसना से आपको मुस्तफ़ी फरमाने वाले हैं उनका नाम नामी है जनाब शेख सनाउल्ला मदनी आपने हिफ़ कुरान करीम का कोर्स जामिया मंसूरा मालेगाँव से मुकम्मल किया और आपने वहीं जामिया मंसूरा मालेगाँव ही से सद फजीलत भी हासिल की उसके बाद सन 2002 में आपने जामिया इस्लामिया मदीना मनोवर से फन हदीस में ग्रेजुएशन किया और वहाँ से आने के बाद आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जेर निगरानी चलने वाले इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल में बाहसीत एक उस्ताज मुनसलिक हो गए और बरवक़्त आप एक उस्ताद की हैसियत से इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल में अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं इसी तरह आप इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के जेर निगरानी चलने वाले शोब तहक़ीक़ में एक रिसर्च एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और आप जानते हैं कि वो उर्दू पीस टीवी के एक अच्छे और मशहूर खतीब हैं मैं आपके और उनके दरमियान न हायल होते हुए ज़्यादा वक्त न लेकर मैं गुजारिश करूँगा जनाब शेख सनाउल्ला शेखना कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं जनाब शेख सनाउल्ला मदनी Allah يا قال يا عبدي انا الله كلما ناديته يا يا عبدي انا الله 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 كلما ناديته يا هو قل يا عبدي انا الله आपके सामने डाइज पर जनाब शेख सनाउल्ला मदनी हफिजुल्ला तशरीफ़ ला चुके हैं आज की इस नश्त आपका मौजू है क़ब्र आखिरत की पहली मंजिल मौसु इस मौजू पर इजहार ख्याल मैं मैंमाज़ करता हूँ कि आप इस मौजू पर इजहार ख्याल फरमाते हुए तमाम साम को इस्तेफादा का मौका अता फरमाएं। आपका मौजू है

وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميل لي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم अल्लास महमद वाला आल महमदल तैयार इब्राहिमब्राहिम हमीदुमबारिका महमद वाला आल महमद मबारक तला इब्राहिम वाला इब्राहिम हमीद मोहतरम शामी क्राम बुजुर्गों दोस्तों साथियों और ख़ुतिन इस्लाम और पीस टी वी के करोड़ों नाजरीन मैंने आप लोगों के सामने शराब्राहिम शुरह नंबर चौदह की आयत नंबर सत्ताईस आप पढ़ी है इस मुनासिबत से मेरी तकरीर का कावान है कब्र आखिरत की पहली मंजिल सामिन कराम इसवान को इंतखाब करने करने की सबसे अहम वजह यह है ताकि हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर और खौफ पैदा हो जाए आप ये मत सोचिएगा कि मौलाना ये तकरीर कर रहे हैं हम लोगों को घबराने के लिए घबराने की कोई बात नहीं है परेशान होने की कोई बात नहीं है बल्कि हमें और आपको वहाँ के लिए तैयारी करनी है दुनिया के अंदर जो हम हैं अल्लाह ताला को भूले बैठे हैं हमारे दिल सख्त हो गए हैं काश के हमारे दिल नरम हो जाए बस यही नीयत है यही मकसद है इसवान को इंतखाब करने का नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा फरमाया करते थे कि लोगों लज्जतों को काटने वाली चीज़ यानी मौत को ज्यादा याद करो एक हदीस के अंदर आया सोना तिर किताब किताब नंबर चौंतीस हदीस नंबर दो हजार तीन सौ सात अक्सर जिक्र हाजमिल्लजात यानी अल मौत लोगों लज्जतों को काटने वाली यानी मौत को ज्यादा से ज्यादा याद करो तो आज की तकरीर का मकसद यही है कि हमारे दिल नरम हो जाएं। आज घबराने की बात नहीं है बल्कि दिल को नरम करने की बात है आप खुद गौर कीजिए हम और आप अगर दुनिया के अंदर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफ़र करते हैं तो वहाँ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं पासपोर्ट बनाते हैं वीज़ा लेते हैं और जो लोग वहाँ काम करते हैं हम उनसे जा पूछते हैं जी मुझे वहाँ जाना है वहाँ के बारे में कुछ बताइए तो यारों गौर करना है हमें और आपको जाना है कहाँ वही हमारी मंजिल है जी कब्र क्या हमने तैयारी की है क्या हमने सोचा है कौन सा पासपोर्ट हमने बनाया है कौन सा वीजा हमारे पास है जी उसके बारे में तो कोई जानकारी हमको नहीं दे सकता जानकारी देने वाला कौन है रब्बुल आलमीन है जानकारी देने वाला कौन है हैं आलमीन जना मोहम्मद वसल्लम अल्लाह ताला से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है निसा सुर नंबर चार आयत नंबर एक सौ बाईस वमन असदिन की अल्लाह ताला से ज़्यादा अच्छी बात किसकी हो सकती है सच्ची बात किसकी हो सकती है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सच्ची बात अच्छी बात मोतबर बात किसकी हो सकती है किसी और की नहीं है क्योंकि प्यारे हबीब जना मोहम्मद वसल्लम ला अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलते बल्कि वो तो वही बोलते हैं जो ऊपर से वही की जाती है अल्लाह ने क्या कहा नजम, सुरन नंबर तिरपन आयत नंबर तीन और आयत नंबर चार वो अपनी ख्वाहिश से कुछ भी नहीं बोलते वो तो वही बोलते हैं जो उनकी तरफ वही की जाती है तो आखिरत के बारे में मरने के बाद की ज़िंदगी के बारे में हमें कोई बता सकता है तो वो हैं प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल अल्लाह वम क्योंकि कोई आदमी मरने के बाद ज़िंदा होके नहीं आया कि हमें बता सके वहाँ कैसी गुजरती है जी कोई नहीं तो हमें और आपको वहाँ के लिए ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी रहना पड़ेगा और वहां जाने के लिए मौत का मजा तो चखना ही है मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार किसी ने किया है और न कर सकता है दुनिया के अंदर दूसरी चीजों में लोगों के दरमियान इख्तलाफ तो हो सकता है यहां तक के कुछ लोगों के दरमियान अल्लाह के बारे में इख्तलाफ है लोग अल्लाह को नहीं मानते नवजबिल्ला लेकिन मौत एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में किसी के दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं यहां तक के उनके दरमियान भी इख्तलाफ नहीं है जो लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते तो पता चला मौत एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार किसी ने किया है और ना कर सकता है अल्लाह तला ने क्या कहा इमरान सुरय नंबर तीन आयत नंबर एक सौ पचासी सराय अंबिया सुरय नंबर इक्कीस आयत नंबर पैंतीस सुरहान कबूर सुरान सुरा नंबर उनतीस आयत नंबर सत्तावन कुल्लफुल मौत हर नफ्स को मौत का मजा चखना है मौत से किसको रुस्तगारी है मौत से किसको रुस्तगारी है आज वो तो कल हमारी बारी है तो यारों इस तकरीर का मकसद यही है कि आज वो गया कल मुझे जाना है और मैं क्या लेकर जाने वाला हूँ सभी लोग चले गए अच्छे लोग भी चले गए बुरे लोग भी चले गए और आइंदा भी जाते रहेंगे सभी को यहाँ से चले जाना है नबी रहे न रसूल रहे न बुजुर्ग रहे न पीर रहे कोई भी नहीं रहे अच्छे लोग भी चले गए और बुरे लोग भी चले गए सबको यहाँ से चले जाना इसलिए वहाँ की तैयारी करनी है यहाँ तक के बनी इंसानियत के सरदार नबियों के सरदार इंसानों के सरदार जना मोहम्मद वसम् भी इस दुनिया से चले गए अल्लाह ने क्या कहा सूरह उमर सूरह नंबर उनतालीस आयत नंबर तीस इन न बेशक आप भी मरने वाले हैं जैसा कि वो लोग मरने वाले हैं अल्लाह ताला ने एक जगह तो ऐसा कहा सुरस आयतर चौंतीस हमने आपसे पहले किसी भी इंसान के लिए हमेशगी नहीं रखी है कि आप चले जाएंगे आप मर जाएंगे तो क्या वो लोग हमेशा रहेंगे आप गौर कीजिए जब नबी वसल्लम दुनिया से रुखसत हो रहे हैं सहाब कराम के दरमियान किस तरीके से घबराहट है हज़रत उमर बिन खत्ताब जैसा इंसान नबी वसल्लम के मौत के बारे में किस तरीके से तज्ज़ुब का शिकार है बात समझ में नहीं आ रही है जी उनको ठंडा किसने किया है हकीकत को वाजे किसने किया है किया है तो पहले खलीफा हज़रत अबू बकर रज़ील्ल्ला तनों ने सही बुखारी किताबल जजनाइज किताब नंबर तेईस हदीस नंबर एक हज़ार दो सौ इकतालीस और एक हज़ार दो सौ बयालीस अमुलमोमिनयशा रज़ी तनों से रवायत है और अब्दुल्ला बिन अब्बास रजील्लान से रवायत है हदीस के अंदर आया अबू बकर रज़ील्ल्ल् तन नबी वम के पास आए उजरे में तशरीफ़ लाए और नबी वम को बोसा दिया चादर को हटाने के बाद उसके बाद क्या कहा उम्मी या नबी अल्लाह, ला मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए अल्लाह ताला आप पर दो मौत तारी नहीं करेगा ये पहली मौत जो आप पर आ चुकी है अब्दुल्ला बिन अब्बास रजील्ला की हदीस है कि उमर रजी अल्लाह तआला तन से अबू बकर रजी अल्लाह तन ने कहा बैठ जाइए फ तो उन्होंने इनकार किया बैठ जाइए फिर उन्होंने इनकार किया उसके बाद अबू बकर सिद्दीक रजील्ला खड़े हो गए खुतबा दिया अमाबाद फोन खान फिन मोहम्मद वन खान अब फईन अम्माबाद में का कोई भी आदमी जो मोहम्मद की इबादत करता था उनको मानता था वो जान ले वो दुनिया से रुखसत हो गए और जो कोई तुम में अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले कि अल्लाह ताला जिंदा है कभी नहीं मरेगा उसके बाद इमरान सुरा सुरा नंबर तीन की आयत नंबर एक सौ चौवालीस तिलावत की वमांहमद तुमकुम मोहम्मद के रसूल हैं इससे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं क्या वो मर जाए या कत्ल कर दिए जाए तो क्या तुम लोग लौट जाओगे अब्दुल्ला बिन अब्बास रजील्ला कहते हैं कि जब अबू बकर सिद्दीक ने ये आयत तिलावत की तो लोगों को यह लगा ये पहली मरतबा उतर रही है जब उन्होंने बताया तब लोगों को पता चला तो पता ये चला नबी भी चले गए बुजुर्ग भी चले गए अच्छे लोग भी चले गए बुरे लोग भी चले गए शायर कहता है नगोरे सिकंदर नहे कब्रदारा नगोरे सिकंदर नहे कब्रदारा मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे हरेक के नामों निशान मिट गए पता ये चला हमें और आपको वहां के लिए तैयारी करनी है क्या लेकर जा रहे हैं हम और आप वहां क्या लेके जाएंगे क्या तैयारी है हमारे पास कौन सा खजाना हमने जमा करके रखा है याद कीजिएगा क्या क्या दुनिया से साहिब अमवाल गए दौलत न गई साथ नाथ फाल गए पहुंचा लहत तक तो आए सब लोग हम राह अगर गए तो आमाल गए हमारे नेक आमाल ही हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं अब हमारी घड़ी आ चुकी है अल्लाह ताला ने मौत का वक्त जो मुतयन किया था वो दिन आ चुका है अफसोस करते हुए दुनिया से रुखसत हो रहे हैं उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन उम्र दराज मांग के लाए थे चार दिन दो आरज़ू में कट गए और दो इंतज़ार में इसलिए याद रखिएगा तैयारी करना है मौत वक्त पर आएगी आप देख लीजिए जब मौत आती है तो कैसे आती है कितने लोगों की मौत तो ऐसे आती है ताजुब होगा सुनकर शाम के वक्त रात के वक्त सोए हैं अच्छे खासे हैं हट्टे कट्टे हैं सुबह होना नसीब नहीं हुआ सुबह के वक्त निकले मामूल के हिसाब से अपने काम पर जा रहे हैं शाम के वक्त वापस नहीं आए न जाने कितनी बारातें शहनाइयों के साथ घर से तो निकलती हैं लेकिन वापसी में सफ़े मातम होता है याद कीजिए जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो कहीं मासूम बच्चे यतीम हो जाते हैं तो कहीं सुहागनों का सुहाग उजड़ जाता है तो कहीं बूढ़े माँ बाप बेसहारा हो जाते हैं तो कहीं भैया बहना का देखभाल करने वाला भाई दुनिया से रुखसत हो जाता है लेकिन मोमिन के लिए यह है चाहे जितनी बड़ी मुसीबत आए सब्र करना है और सब्र ही ऐसी चीज़ है जिसका फल सबसे ज़्यादा मीठा है सूरह बकरा सूरह नंबर दो आयत नंबर 155 से आयत नंबर 157 तक पढ़िए ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. همتم كا عازمين درك زريه بوك زريه قالوا مي كركي जानों में कमी करके और आप सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए जब भी मुसीबतें आती है तो वो यही कहते हैं हम अल्लाह के लिए हैं और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं उन लोगों पर उनके रब की तरफ से रहमतें हैं नवाजिशें हैं और यही लोग हिदायत पर हैं तो मोमिन आदमी हर हाल में सब्र करता है आहो बका नहीं सीना को भी नहीं बाल नोचना नहीं दायरे में रहकर अपने गम का इजहार करना है ठीक है दुनिया से रुखत हो रहे हैं अरे रूह निकल रही है किस हालत में निकल रही है आदमी अगर नेक है गौर कीजिएगा ये मंजर बयान करने का मकसद सिर्फ यही है हमारा दिल जरा नरम हो जाए दुनिया से रुख़त हो रहे हैं आदमी अगर नेक है तो रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम लोगों के पास भी ऐसे ही फरिश्ते को भेजे आमीन रोशन चेहरे वाले फरिश्ते आते हैं सूरज की तरह चमक रहा है उनका चेहरा इत्र में गाया हुआ है कफन रेशमी कफन लेकर आए हैं आते ही सलाम कहते हैं सलाम कहने के बाद रूह से कहते हैं नेक रूह निकल जा अल्लाह की बख्शिश की तरफ चल रूह जो है निकलती है जिसमें से उसी तरह जिस तरीके से मशकीजे में से पानी आसानी के साथ निकल जाता है पानी का मटका जानते हैं ना? पानी का मटका किस तरीके से हम अगर उल्टा कर दे तो पानी नीचे से निकल जाता है उसी तरीके से मोमिन आदमी की रूह आसानी के साथ निकल जाती है फरिश्ते कफन में ले लेते हैं चलते है हैं ऊपर जिस आसमान पर पहुंचते हैं खुश आमदेद ही है मुबारकबादी है और जगह मिल गई है अल्लाह ने क्या बयान फरमाया और फरिश्ते हैं उनको मारते हैं नेक लोगों को मारते हैं तो उस वक्त सलाम कहते हैं और कहते हैं जो अमल तुम कर रहे थे उसके बदले जन्नत में दाखिल हो जाओ तो यहां गौर कीजिएगा अमल शर्त है अमल शर्त है जब तक अमल नहीं करेंगे काम बनने वाला नहीं है इसके मुकाबले में जो काफिर हैं, मुनाफिक हैं शक करने वाले हैं जालिम हैं, उनका क्या होगा उनका क्या होगा फरिश्ते आते हैं सियाह चेहरे वाले काले चेहरे वाले बदबूदार कफन लेकर आते हैं चेहरे पर मारते हैं चेहरे पर मारते हैं पीठ पर मारते हैं रूह से कहते हैं निकल रूह निकलती नहीं है अंदर घुस घुस कर रूह को निकालते हैं वन नाजियातर का सुर नाजियात सुर नंबर उन्नासी आयत नंबर एक अंदर डूब डूब कर रूह को निकाल रहे हैं प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद वसल्लम बयान फरमाते हैं कि किस तरीके से रूह निकाली जा रही है मुसनद अहमद में इसका तस्करा है कि लोहे की सलाख आप लीजिए और लोहे की सलाख में गीली ऊन को लपेट दीजिए और लपेट देने के बाद पंजा हो लोहे का और उसमें गीली ऊन लपेटी हुई है तो क्या आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं ऊन को नहीं निकाल सकते क्योंकि तो पंजे के अंदर जो लपटी हुई है ऊन वो निकली नहीं रही है वो भी गीली है इंतहाई तकलीफ के साथ रूह निकाली जाती है अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह ताला हम लोगों को ईमान पर साबित कदम रखे और ऐसे फरिश्ते से हमारा वास्ता न हो सराफाल सुरह नंबर आठ आयत नंबर पचास वाला उतरा वजूह और अगर आप देख लें कि जब फरिश्ते रूह निकाल रहे हैं काफिरों की तो चेहरे पर मार रहे हैं पीठ पर मार रहे हैं और कहते हैं कि दर्दनाक अजाब में जलने वाले अजाब का मज़ा चख लो दर्दनाक अजाब को चखो तो याद रखिएगा रूह निकलने का वक्त भी काफ़ी अहम होता है अगर नेक लोगों को तकलीफ होती है तो समझ जाइए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद कर रहा है अल्लाह ताला उनके दर्जात को बढ़ा रहा है चलिए जनाजा तैयार हो चुका है लोग लेके जा रहे हैं कंधा दे रहे हैं वही जानना है दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है ते दुनिया तो के मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है तय कर रहा है जो तू दो दिन का ये सफर है चलना है वही काली कोठरी है तन्हाई का घर है कोई लाइट नहीं है कोई पंखा नहीं है माँ बाप नहीं है बाल बच्चे नहीं है कोई गम को भुलाने वाला नहीं है गम को बांटने वाला नहीं है गौर तो कीजिए छोटा सा घर है देखने में तो छोटा लगता है लेकिन अंदर से क्या कहना नेक लोगों के लिए रामत है और बुरे लोगों के लिए जामत है नेक लोगों के लिए जन्नत का एक हिस्सा है और बुरे लोगों के लिए जहन्नम का एक टुकड़ा है आपको लगता है क्या हो रहा है इसके अंदर कोई भी नहीं हमारा साथ देने के लिए कीड़े मकोड़े हैं सांप और बिच्छू हैं अंधे बहरे फरिश्ते हैं तैयारी तो कर लीजिए क्या लेके जा रहे हैं Oh.